अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का शानदार कारनामा, सीएसएस में कामयाबी हासिल कर ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सीएसएस क्वालिफाई करने वाले 5 होनहार सब इंस्पेक्टर से मुलाकात। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने गुमशुदा जहनी माजूर बुजुर्ग वर्सा से मिलवा दिया। जोहर टाउन का रिहायशी 80 साल बुजुर्ग घर का रास्ता भूल गया था। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर अब तक 5,000 से ज्यादा गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवा चुका है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी बिछड़ों को अपनों से मिलवाने के लिए हमा तन कोशां थाना सिटी हफ्साबाद और सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की मुश्तरका कार्रवाई। 3 साल मोहम्मद जियान को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 69,234 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,696 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 50,985 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,116 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,008 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। रहीम यार खान पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। गवाब राय तावान पुलिस मुकाबलों डकैती समेत संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का शानदार कारनामा, सीएसएस में कामयाबी हासिल कर ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सीएसएस क्वालिफाई करने वाले 5 होनहार सब इंस्पेक्टर से मुलाकात। सब इंस्पेक्टर्स की हौसला अफजाई के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया और इजाजी शील्ड्स से नवाजा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहले खाना को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि सब इंस्पेक्टर्स की सीएसएस में कामयाबी से पुलिस फोर्स की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। इख्तियारात सलाहियतों को मुल्क कौम की खिदमत और तामीर तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। आईजी पंजाब की नौजवान अफसरान को ट्रेनिंग भरपूर तंदही और लगन से मुकम्मल करने की भी हदायत। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 140, पंजाब यूनिवर्सिटी 155 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 130 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पे जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। रहीम यार खान पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। इगवाब राय तावान पुलिस मुकाबलों डकैती समेत संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम सद्दाम शेख को गिरफ्तार कर लिया। थाना बोंग रहीम यार खान पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोफ और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम 27 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की, डीपीओ रिजवान उमर गोंदल और पुलिस टीम को शाबाश। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेज़।